आपकी होस्ट रजनी और एक बार फिर से आप सभी का करती हूँ तहे दिल से स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। आज हम आपके साथ करने वाले हैं सुशांत के मामले पर नहीं, किसी एक्ट्रेस पर नहीं, किसी की ड्रेस पर नहीं, किसी के आउटफिट पर नहीं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं टीवी के उन सीरियल्स को लेकर जो इन दिनों टीआरपी लिस्ट में है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पर। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टीवी सीरियल्स की टीआरपी लिस्ट। टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन कौन से सीरियल ने हासिल की है और किस वजह से, ये आपको बताएंगे। और नंबर 5 पोजीशन पर कौन सा सीरियल पहुंचा है ये भी आपको बताएंगे। कौन सा सीरियल कौन सा ट्विस्ट ले रहा है ये भी आपको बताएंगे। और कौन से सीरियल में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है ये भी आपको बताएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारी टीआरपी लिस्ट की ओर और जानते हैं इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट कि इस बार कौन से सीरियल ने मारी है बाजी और ले ली है पहली पोजीशन। छोटे पर्दे के कई टीवी शोज ऐसे हैं जो अक्सर हर दिन अपनी सुर्खियां बटोरते रहते हैं और हमेशा ट्रेंड पर रहते हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं आप सबसे टीआरपी लिस्ट को लेकर। टीआरपी लिस्ट में इस बार कौन सा शो आगे है, कौन सा शो पीछे है और कौन सा शो इस बार टॉप 5 में शामिल हुआ है। तो बता दें कि कुछ हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अनुपमा सीरियल नंबर 1 पोजीशन हासिल कर चुका है। शो में रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे लीड रोल में नजर आ रहे हैं। जब से ये शो आया है तब से हर एक शो इसके सामने फीका पड़ चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि लंबे समय के बाद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है भी टॉप 5 में वापस आ चुका है। बता दें कि शो में कार्तिक नायरा की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट देखने को जो मिल रहा है, क्योंकि शो में हाल ही में नायरा की मौत का ट्रैक दिखाया गया और इसी के साथ फैंस के दिलों पर फिर से शिवांगी जोशी वापसी भी करेंगी। टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है स्टार प्लस का ही शो इमली, जो कि एक गांव की लड़की की जिंदगी पर आधारित कहानी है जो कि फैंस को काफी पसंद आ रही है। शो में सुम्बुल तौकीर, मयूरी देशमुख और गश्मीर महाजनी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। बता दें कि तीसरे नंबर पर कुंडली भाग्य शो है, जो कि कुछ समय पहले तक दूसरे नंबर पर था, लेकिन इमली के आने की वजह से कुंडली भाग्य अब तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना चुका है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है गुम है किसी के प्यार में का शो, जिसने चौथे नंबर की पोजिशन टीआरपी लिस्ट में हासिल की है। इस शो में नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। आखिरी और पांचवा ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में अपनी काफी लंबे समय बाद जगह बना चुका है और वो भी सिर्फ नायरा की दैट ट्रैक के बाद। जहां पर टीआरपी लिस्ट में एक बार फिर से ये रिश्ता की वापसी हुई तो शो के फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत ही जल्द शो में नायरा की हमशक्ल की एंट्री भी दिखाएंगे, जिसमें शिवांगी जोशी अभी शो का हिस्सा भले ही नहीं है लेकिन बहुत जल्द शो का हिस्सा बनेगी और शो में आपको फिर से नायरा और कार्तिक की जोड़ी नजर आएगी। नेक्स्ट नाइन लाइफ में रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि इस बार भी अनुपमा सीरियल रहा नंबर 1 पोजीशन पर, जहां पर अनुपमा सीरियल के है कई सारे फैंस दीवाने और अनुपमा के किरदार को करता है हर कोई प्यार। अनुपमा वनराज की जोड़ी है नंबर 1 और ऐसे में अनुपमा वनराज के साथ ही दिखे सभी की है रिक्वेस्ट। और अब मेकर्स कौन सा ट्विस्ट लाने वाले हैं ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।